बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में गिरा वायुसेना का हेलीकॉप्टर, राहत सामग्री पहुंचाने गया था ये चॉपर। बिहार के पटना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च की, नाम दिया जनसुराज। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 2000 करोड़ से ज्यादा की कोकीन, चार गिरफ्तार, पूछताछ जारी। दो दिन में सीएम आवास खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल, नए घर में होंगे शिफ्ट। यूपी हाथरस भगदड़ मामला, 121 की मौत, 3200 पेज की चार्जशीट, सूरजपाल बाबा का नाम तक नहीं। मंगेश का एनकाउंटर करने वालों पर दर्ज हो FIR, यूपी पुलिस के खिलाफ मां पहुंची कोर्ट। ईरान इसराइल युद्ध से पूरी दुनिया होगी प्रभावित, ईरानी संसद ने कहा इसराइल के हर पागलपन के लिए हम तैयार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर इसराइल ने बैन लगाया, इस कदम से दुनिया भर में तनाव बढ़ना तय। हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ झड़प में इसराइल के 2 सैनिकों की मौत, 18 घायल। गोविंदा की तबीयत अब अच्छी, परसों हो जाएंगे अस्पताल से डिस्चार्ज, बोली उनकी पत्नी सुनीता। बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए LiveUP News 24। नमस्कार।